हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देख गाइस, एक और आज मैं पगड़ी कैप बना रही हूँ, जो मैं दो ताज वाला पगड़ी कैप बना रही हूँ। दोनों साइड से मैं ये 20-20 फंदे इसके जो ये घटाने हैं मुझे, अब ये मैं बता देती हूँ, 140 फंदे ये मैंने इसमें कैप में रखे हैं। और देखिए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच डिज़ाइन ये ग्रीन के मैंने यहाँ पर दिए हैं। और देखिए ये रेड के, एक दो तीन चार, चार डिज़ाइन ये रेड के हैं। अच्छा, ये रेड डिज़ाइन, ये ग्रीन डिज़ाइन जो आएंगे, तो देखिए ये यहाँ पर जो डिज़ाइन दोगे आप, तो ये उल्टी सिलाई पर इसको हमने यहाँ पर सीधा बुनना है। उल्टी सिलाई पर ये सीधा बुना जाएगा, चार चार सिलाइयाँ हैं, और सीधी सिलाई पर ये उल्टा बुना जाएगा। और ये वाला जो है रेड वाला, ये वही उल्टी सीधी सिलाइयाँ हैं, चार चार सिलाइयाँ इसकी मैंने बनाई हैं। और ये कलर जब चेंज होगा तो कलर हमारा ये उल्टी सिलाई पर ही चेंज होगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाई देती हूँ कि किस तरह से होगा। अब हमारी उल्टी सिलाई आई है, देखिए अब हमें इसमें से 20 फंदे इस कैप के घटाने हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। देखिए 10 ये फंदे मैंने यहाँ पर घटा दिए, अभी 10 फंदे और घटाने हैं हमें। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए 20 फंदे मैंने यहाँ पर घटा दिए हैं। अब ये वाला फंदा जो है हमारा ग्रीन ही रहेगा, अगली सिलाई पर ये हो जाएगा हमारा। तो अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये वाला दूसरा कलर चेंज करना है। इसको हम यहाँ पर से तोड़कर, जो हमारा ये यहाँ तक आ रहा था, इसको तोड़कर हम यहाँ से ये कलर चेंज कर देंगे। तो गाइज मैं ये 20 फंदे यहाँ पर, 20 फंदे तक मैं यहाँ तक ये पूरी उल्टी सिलाई दूसरे कलर की बना लाऊँ, तब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए गाइज, अब मैंने यहाँ पर ये 20 फंदे छोड़ दिए हैं, ये 20 फंदे जो ये भी मुझे घटाने हैं, जिस तरह से मैंने इस तरफ घटाए हैं। और मैंने ये ग्रीन कलर ही इसमें फिर से जोड़ दिया है इधर, क्योंकि ये फंदे हमारे ग्रीन कलर से ही बंद किए जाएंगे। तो दो 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 फंदे लेकर एक साथ, उसी तरह जिस तरह से इधर के घटाए थे हमने, उसी तरह से हम इस तरफ के भी घटा देंगे। ये दो फंदे एक साथ लेंगे, इस फंदे के साथ एक और ले लेते हैं। ये देखिए पूरे फंदे मैंने यहाँ तक घटा लिए हैं। ये वाला धागा हम यहाँ से कट कर देंगे और इस फंदे से निकाल देंगे। अब इसमें देखना है कि क्या करना है। अब हमारे ये 100 फंदे बचे हैं, इन 100 फंदों में हमें क्या करना है, 20-20 फंदों से हमने 20-20 फंदों का हिसाब हम लगा लेंगे। और यह जो फंदे यहाँ पर हम घटाएंगे, जिस तरह से कैप के ऊपर का हिस्सा हम घटाते हैं, उसमें अब की बार हम ये 20-20 फंदे लेंगे। और हमें सिर्फ पांच कलियाँ ये ऊपर के है इस सिर के हिस्से पर बनानी है। तो देखिए 20-20 का हिसाब रखा है, तो पहले 18 बुने जाएंगे हमारे फंदे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11
बारह, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 फंदे हमने बुन दिए हैं। अब 18 के बाद देखिए क्या करना है, हमारे ये दो फंदे बचे हैं 20 में के, तो इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और दो का एक बना देंगे। ये पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट होगी हमारी, 18 फंदे बुनते जाइए और दो फंदों का एक बनाते जाइए। ये वाली सिलाई मैं कंप्लीट कर लूँ और इसके बाद उल्टी सिलाई भी मैं कंप्लीट कर लाऊँ। देखिए गाइस, फिर से हमारी सीधी सिलाई आई है। पिछली बार 18 फंदे बुने थे, अब की बार 17 बुनेंगे। हर सीधी सिलाई पर एक फंदा कम होता जाएगा बुनने वाला हमारा, तो ये 17 फंदे हो जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 फंदे बुनने के बाद देखिए ये चेन बनने लगी है, इधर की साइड को झुकने लगी है। अब इन दोनों फंदों को फिर से एक साथ लेकर घटा देंगे, ये आने लगी है। अब बस 17 फंदे बुनते जाइए और दो का एक बनाते जाइए। एक चेन ये बिल्कुल लास्ट में बन रही है, दो फंदे लास्ट में भी घट रहे हैं ये यहाँ पर। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लाऊँ, उसके बाद उल्टी सिलाई कंप्लीट कर दूँ। देखिए गाइस, फिर से हमारी सीधी सिलाई आई है। आपके बार हम ये 16 फंदे बुनेंगे। अब हमें ये गिनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमारी ये चेन, देखिए ये चेन आपको अलग ही दिखाई दे रही होगी, मोटी सी इधर को जा रही है ये। इस इन दोनों को लेकर एक साथ हम ये दो फंदे घटा देंगे, ये देखिए। अब इसी तरह से आप ये 16-16 फंदे बुनते जाइए और दो का एक बनाते जाइए, और उसके बाद उल्टी सिलाई भी कंप्लीट होगी। तो गाइज, अब मैं आपको ये तब दिखाऊंगी डिज़ाइन जब मेरे ये 10 फंदे बचेंगे, जो हम यार ये 20 फंदे थे घटकर जब ये 10 रह जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। बस हर सीधी सिलाई पर आप अब इस चेन वाले फंदे को दो का एक बनाना है, हर बार एक फंदा कम होता जाएगा। आपके बार हमने ये 16 फंदे बुने हैं, फिर नेक्स्ट पर 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, इसी तरह से ये फंदे कम होते जाएंगे। जब ये 10 फंदे रह जाएँ तब मैं आपको दिखाऊँगी। देख गाइज, ये 10-10 फंदे मैंने घटा दिए हैं, हमारे 10-10 फंदे बचे हैं। अब हमें क्या करना है, दो दो फंदे एक एक साथ लेकर बुनते जाना है। इस तरह से दो दो एक एक साथ लेंगे इन फंदों को और बुनते जाएंगे। पूरी सिलाई में ये कंप्लीट कर लाऊं, दो दो फंदे एक साथ बुन कर लाने वाली है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब ये पूरा दो दो फंदे एक एक साथ बुनने के बाद हमारे ये 25 फंदे बचे हैं। अब इन सबको हम एक हमें निडल्स चाहिए, अब इस निडल्स में हम इन फंदों को प्रो देंगे। एक एक करके आप आराम से इन फंदों को सुई में ले लेंगे। ये देखिए, सब फंदे मैंने इस निडल्स में पिरो लिए हैं। अब हम इसे को यहाँ पर गोलाई से इस तरह से लेंगे, इसका ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से इस निडल्स को निकाल कर
इस कैप की सिलाई करेंगे। ये देखिए अब ये यहाँ पर एक होल सा बन जाता है, इस होल को आप सिलाई कर देंगे यहाँ पर, जिससे ये होल हमारा बंद हो जाए, ये होल ऊपर दिखाई नहीं दे, इसे बंद कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर से ये होल बंद हो गया है। अब ये वाला कैप हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके लाना है, जहाँ तक हमने 20-20 फंदे ये दोनों साइड से घटाए हैं। देखिए यहाँ तक बिल्कुल सिलाई कर दिया है मैंने, जहाँ तक इन दोनों ये हिस्सा आ रहा है 20-20 फंदों वाला। देखिए यहाँ पर जो ये धागे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इन धागों को आप क्या करेंगे, कोई क्रोशिया होगा आपके पास, क्रोशिया से इसे अंदर की साइड को ले देंगे। देखिए 5 कली का बना है ये, 1 2 3 4 5, ये न्यू तरीके की पगड़ी मैंने बनाई है, न्यू स्टाइल है ये इस पगड़ी का। देखिए एक हिस्सा ये वाला यहाँ पर लेंगे और एक ये इस हिस्सा इसके ऊपर लेंगे। और नीचे से इसमें यहाँ पर टांके लगा देंगे। यहाँ पर ग्रीन है तो आप ग्रीन से ही यहाँ पर धागे लगाएं, मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ, या फिर इतने छोटे लेने के जिस तरह से मैंने लिया है, ये दिखाई नहीं दे रहा। इसका ये बॉर्डर मुड़ रहा है इधर ताज वाला, इसको भी यहाँ पर टाके लगा देंगे तो ये यहाँ पर सीधा हो जाएगा। आप चाहें तो एक एक टाँका इस साइड को भी लगा सकते हैं, जिस तरह से इधर का ये बॉर्डर मुड़ रहा है तो ये मुड़ेगा भी नहीं और ठीक से ये अपनी जगह पर सेट भी हो जाएगा। गाइस बहुत ही इजी पगड़ी है ये बनानी और बहुत खूबसूरत लगती है ये। ये देखिए ये करीब 6 7 से 8 मंथ के बेबी को आराम से आ जाएगी। अगर आपने बड़ी बनानी है तो आपने क्या करना है, ये डिज़ाइन भी बढ़ा लेने हैं, ज़्यादा डिज़ाइन कर लेने हैं ये, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ 10 10 फंदे नहीं ना घटा कर 5 या 6 फंदे घटाएं आप, तो ये बड़े सर पर भी आ जाएगा। बस इसकी सिलाई आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है, इसे यहाँ पर भी आप इस तरह से
सेट कर दें। अगर आपको कहीं लग रहा है, महसूस हो रहा है कि एक आध टाँका हमने इधर भी लगा देना है तो लगा देना है, आपने सोचना नहीं है, जिस तरह भी आप सेट कर पाएँ इसको अच्छी तरह से, इसको आपने बहुत पक्का सा बना कर देना है। और ये वाले धागे आपने यहाँ को इस तरह से क्रोशिया लेना है, ये धागे जो किनारों पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्रोशिया से इनको अंदर कर देना है, या फिर सुई से भी आप कर सकते हो। देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत सा ये पगड़ी कैप बना है और न्यू स्टाइल का पगड़ी कैप बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और देखिए गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, और अगर आपको मुझे कुछ डिज़ाइन के बारे में या फिर निटिंग के बारे में कुछ आपने पता करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन जवाब दूंगी। और आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो करें, मेरी वीडियोस टिकटॉक पर भी आपको निटिंग की मिलेंगी और कुकिंग की भी। तो गाइस देख, चलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।